हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकांश एक्सेसरीज़। आज हमारे पास आई है R15M। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रैश गार्ड की तरफ। ये डुअल स्लाइडर क्रैश गार्ड लगाया है हमने काफ़ी हैवी पाइप में, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा पाउडर कोटेड है ये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें स्लाइडर्स लगे हुए हैं। अब इसमें मैं आपको दिखलाना चाहूँगा जो हमने मॉडिफिकेशंस करी है, जैसे कि हमने इसमें फ्रंट इंडिकेटर चेंज करे हैं इसके अंदर, वो मैं आपको जला के भी दिखलाऊंगा किस तरह का लुक आएगा। साथ में ही हमने इसमें एडजस्टेबल फुल साइज़, ये शॉर्ट साइज़ नहीं है जो इतने से आते हैं, ये फुल साइज़ है जो आपके शॉक लीवर का साइज़ होता है, उस साइज़ के लीवर्स हैं। साथ में लीवर प्रोटेक्टर लगाया है, फ़ोन होल्डर इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं, जैसे कि हमने इसमें निंजा 10R मिरर जो एडजस्टेबल और फोल्डेबल होते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएंगे, आप अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में इसमें हमने सिमटेक ब्रांड का हज़ार्ड भी इंस्टॉल करा है, तो वो भी आपको जला के दिखलाएंगे। और साथ में हमने इसमें लगाई है ग्रैब रेल, भैया की इसमें टेल टूटी हुई थी तो ये भी अच्छे से हमने चिपका के इसमें ग्रैब रेल लगा चुके हैं। और साथ में ही हमने ये पूरा कार्बन फाइबर करा है, ये देख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें रैपिंग का भी वर्क हो जाता है। भैया को अभी PVF की नीड नहीं लगी, भैया कह रहे हैं अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम करा लूँगा, वरना हमारे पास पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो होती है PVF वो भी हो जाती है। साथ में इसमें हमने डेल्ट आईडी इंस्टॉल करी है, देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर डेल्ट आईडी है, बोल्ट ऑन है बिल्कुल। इसमें आपकी जो आपकी जेन्युइन स्टॉक लाइट होती है नंबर प्लेट के ऊपर की, वो देख सकते हैं आप, ये भी इसके अंदर लगी हुई है। और साथ में KTM लुक वाले इंडिकेटर लगे हैं, ये रेप्लिका इंडिकेटर है, वो हमने इंस्टॉल करें इसके अंदर। साथ में इसमें हमने लुक इनहेंस करने के लिए बबल वाइजर लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको फ्रंट से लुक दिखलाएंगे, देख सकते हैं अब बाइक जो है काफ़ी बल्की लग रही है और लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके इंडिकेटर जो उसकी तरफ, देख सकते हैं आप, ये 10R मिरर और ये आपके इंडिकेटर का, तो बहुत ही अल्टीमेट लुक आता है इस सब लगने के बाद। और ये बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं मिरर, और ये आपको साइड से भी दिखला देंगे भैया अभी। हाँ, ये देखिए, ये इसके बॉडी इंडिकेटर्स हैं, मतलब पूरा प्रॉपर चिपक जाते हैं, तो आपके टूटने के भी लेस चांसेस हो जाते हैं। और टेल्ट आईडी के बाद पीछे के इंडिकेटर भी अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो पीछे के इंडिकेटर भी बहुत लेस चांसेस हैं कि टूटे अब। और ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, ये कितना भी मतलब आप इसमें कुछ भी करें ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। और इसमें भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज होती हैं, जैसे कि आप इस पर साइलेंसर प्लेट लगा सकते हैं, इसके ऊपर गोल्डन कलर, ब्लू कलर और भी काफ़ी सारे कलर्स की साइलेंसर प्लेट आती है। ये ब्रैकेट प्लेट मिल जाती है हमारे पास गोल्डन कलर में, ब्लैक कलर में, CNC मेड इम्पोर्टेड, गेयर लीवर्स भी इम्पोर्टेड मिल जाते हैं हमारे पास, का ऑयल कंटेनर गार्ड, ऑयल कंटेनर कैप, ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाती हैं। और साथ में इसमें यहाँ पर भी MC कैप आता है, वो भी आपको CNC मेड इंपोर्टेड होगा, वो भी मिल जाता है हमारे पास। और साथ में यहाँ पर आपको फॉग प्रोटेक्टर्स भी आते हैं, तो भैया कह रहे थे अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फॉग प्रोटेक्टर्स भी अभी लगवाएंगे भैया थोड़े टाइम बाद। और इसमें यहाँ पर आपके शॉक प्रोटेक्टर भी आते हैं पूरे CNC के हैवी, तो हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो में लगाए हुए भी हमने R15 V4 में, और भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, तो भैया के लिए भी इनफ था। तो ऐसे ही बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के लिए आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं, हमें आप कॉल करके, कूरियर से, कैसे भी, जो भी आपको पसंद है वैसे आप मंगा सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।